वनडे एग्जाम के लिए भी इंपोर्टेंट होता है और स्पोकन इंग्लिश के लिए भी इंपोर्टेंट होता है तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आप जैसे कि हमलेन पर देख रहे होंगे कि महत्वपूर्ण वोकैबलरी भो, इडियम एंड फ्रेज लिखा है तो चालू करते हैं हम लोग इस सेशन को विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम इसी जोशो जश के साथ इसको लगातार हम लोग पढ़ेंगे और आशा करूंगे कि यह आप सभी को समझ में भी आएगा तो चलिए पहला इडियम हम लोगों का क्या है रेड लेटर डे यानी कि अति महत्वपूर्ण दिन अ वेरी स्पेशल डे या वेरी इंपोर्टेंट थे आप यहां पर देख सकते हैं विक्की कौशल और कैटरीना केफ एक दूसरे से शादी किए वह दिन उन लोगों के लिए बहुत ही खुशी के दिन होगी वेरी स्पेशल डे होगा आप सभी जानते ही होंगे जब शादी होती है तो मन में लड्डू फूटती है खुशी आती है तो अगर हम फोटो के माध्यम से याद करेंगे तो हमारे माइंड में हमेशा बना रहेगा और हम एग्जाम में क्वेश्चन गलत भी नहीं कर पाएंगे और स्पोकन इंग्लिश में भी हम लोग शानदार तरीके से तहलका मचाएंगे तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि है, स्पोकन इंग्लिश में कैसे फायदेमंद है एग्जाम्पल में देखिए टूडे इज रेड लेटर डे फॉर मी बिकॉज आई एम गोइंग टू मैरी हम लोग शादी करने जाते हैं तो हमारे अंदर खुशी होती है उस दिन खुश रहते हैं वह दिन स्पेशल डे होता है इस पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछता है चलिए दूसरा है यहां पे देख सकते हैं आप क्वेश्चन जो सी एच एस एल की एग्जाम में पूछा गया है और यहाँ क्वेश्चन है रेड लेटर डे यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं अ फ्राइटफुल डे अ वेरी स्पेशल डे अ वेरी हॉट डे अ वेरी कोल्ड डे तो ये तो होगा नहीं फ्राइटफुल का मतलब होता है डरावना यहां पर आप देख सकते हैं डरावना और दूसरा नंबर है अ वेरी स्पेशल डे तो यही आंसर होगा तीसरे ऑप्शन में क्या है वेरी हॉट डे क्या एक बहुत गर्म दिन नहीं चौथे में क्या है अ वेरी कोल्ड डे बहुत ठंडा दिन नहीं आंसर तो आपका क्या होगा अ वेरी स्पेशल डे आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं और यह इडीएम बहुत ही शानदार है आप सभी फोटो में देख रहे होंगे लिखा है सी आई टू आई भी इसमें काजल और शाहरुख एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के देख रहे हैं यानी कि एक दूसरे से सहमत है इस फोटो को गाइस हम लोग गाना के माध्यम से भी याद कर सकते हैं वो गाना क्या है कभी अखिया मिलाए कभी अखिया चुराए क्या तूने किया जादू तो ये गाना आगे आप गाएंगे मैं आप सभी को गाना इसलिए याद कराया क्योंकि ये गाना गाएंगे तो हमारा माइंड हमेशा याद रहता है और फोटो देख लीजिए शाहरुख खान है काजल है और एक दूसरे के आंख में आंख डाल के देख रहे हैं यानी कि दोनों एक दूसरे से सहमत हैं तो हम लोग इस पे क्वेश्चन की बात करेंगे आगे देख लीजिए आप लिखा है टू सी आई टू आई भी इंग्लिश मीनिंग हुआ इसका टू एग्री और हिंदी हुआ सहमत होना यह स्पोकन इंग्लिश के लिए भी फायदेमंद है जैसे हमें पता होगा कि टू सी आई टू आई बीड का हिंदी सहमत होना होता है यदि हमको बोलना होगा कि मैं तुमसे सहमत हूं तो कैसे बोलेंगे आई एम एग्री विद यू तो इस क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जाम में आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक हम लोग कर लिए थे रेड लेटर डे और दूसरा हम लोग क्वेश्चन क्या है सी आई टू आई बीड यह 2020 में एस एस सी सी एच एस ने पूछा था मैं आपको पहले ही बता दिया था कि वनडे एग्जाम के लिए भी

एस्टियर एट सोमोन तो यहाँ पर आप देखेंगे -E. means होता है घूरना क्या होता है दोस्त घूरना तो ये ऑप्शन होगा नहीं कैंसिल बी सस्पीसियस तो सस्पीशियस का हिंदी क्या होता है संदेहजनक. यानी कि सक करना किसी पे आपको शक होगा शक होगा तो इसका हिंदी क्या होता है सक यानी कि संदेहजनक और क्वेश्चन नंबर ऑप्शन है यहां पे डी नंबर में एग्री विद समोन तो आप आंसर क्या देंगे एग्री विद समोन कैसे तो हम लोगों ने फोटो में देखा था काजल और ओ, काजल और शाहरुख एक दूसरे के आंखों में आंख डाल के देख रहे थे तो चलिए आपका आंसर होगा एग्री विद समोन आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कैटनिप क्या है वोस? कैटनेप कैटनेप आप ये देख रहे हैं जो ये बंदा है अपने टेबल पे ही वर्क करते करते सो गया है ये शॉर्ट स्लीप ले रहा है यानी कि झपकी ले रहा है तो यहाँ पे लिखा है कैटनेप तो इसका इंग्लिश होता है शॉर्ट स्लीप यानी कि झपकी लेना जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं और उस टाइम हम लोगों को नींद आती है तो थोड़ा सा हम लोग झपकी ले, ले लेते हैं कैटनेप ले, ले, ले लेते हैं शॉर्ट स्लिप कर लेते हैं तो यहाँ पे आप फोटो भी देख लिए कैटनेप होता है सेंटेंस इस पर कैसे बनाएंगे जैसे आपको बोलना होगा कि मैं एक घंटे पढ़ने के बाद अब झपकी लेता हूँ या थोड़ा सा सोता हूँ तो यू कैन से दैट आई कैन टेक कैटनेप आफ्टर स्टडिंग एन आवर तो आप सेंटेंस भी बना लिए स्पोकन इंग्लिश में भी फायदा हो गया आइए इस पर क्वेश्चन देखते हैं कि एग्जाम में कैसे पूछा है तो आगे बढ़ेंगे ये हम लोग कर चुके थे और क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन है यहां पे कैटनेप तो कैटनेप में ऑप्शन दिया है टू हैव ए शॉर्ट स्लीप तो आंसर क्या होगा टू हैव ए शॉर्ट स्लीप ठीक है तो आशा करूंगा कि ये इडियम एंड फ्रेजेस आप सभी को समझ में आ रही होगी हम लोग आगे देखते हैं बहुत ही शानदार इडियम है पुल ए लॉन्ग फेस यानी कि सैड दिखना सैड हो जाना ये बंदा जो है बहुत ही सैड होकर बैठा है क्यों बैठा है ये अपने पिताजी से बोलता है कि हमें आईफोन चाहिए और उनके पिताजी मोबाइल खरीदने के लिए आईफोन खरीदने के लिए पैसा नहीं देते हैं तो इस सैड होके नदी के किनारे जाकर पैर लटकाया हुआ है और बैठा है और उदास है तो इसको फोटो के माध्यम से अगर इडीएम याद करेंगे तो आसानी होगी लिखा है यहाँ पे पुल ए लॉन्ग फेस यानी कि इंग्लिश होगा लुक सैड हिंदी होगा उदास दिखना ठीक है तो ये तो ईडीएम हो गया इसके बाद हम लोग क्वेश्चन कैसे आएगा इस पे वो भी देख लेते हैं क्वेश्चन है, है यहाँ पे पुल ए लॉन्ग फेस पुल ए लॉन्ग फेस यानी कि पुल ए लॉन्ग फेस लॉन्ग हैप्पी ये नहीं होगा दूसरा है टू बी सैड तो क्या होगा यह उदास है टू बी हैप्पी होगा क्या मोबाइल नहीं खरीदाया तो यह हैप्पी रहेगा या सैड रहेगा आपसे बताएं ये सैड रहेगा रहे रहे तो सैड रहेगा तो टू बी हैप्पी लिखा है तो यह आंसर होगा नहीं यहाँ पर चौथा है नॉन ऑफ दीज तो आपका आंसर होगा बी टू बी सैड ठीक है और लास्ट एडियम हम लोग देखेंगे ए बेड ऑफ रोजेज यानी कि आरामदायक स्थिति आइए यहां पे देखते हैं ए बेड ऑफ रोजेज ए बेड ऑफ रोजेज यानी कि आरामदायक स्थिति एंड लग्जरियस सिचुएशन एंड ईजी लाइफ जिसके जीवन में खुशी होती है जिसके जीवन में पैसा होता है और जो लोग ज्यादा एक्सपेंसिव चीजों को यूज करते हैं वो लोग लग्जरियस लो लाइफ जीते हैं तो यहां पे एडियम है ए बेड ऑफ रोजेज यानी कि लग्जरियस लाइफ आरामदायक स्थिति इस क्वेश्चन कैसे पूछा है एग्जाम में तो क्वेश्चन है लाइफ इज अ बेड ऑफ रोजेज यानी कि ऑप्शन में दिया है सिंपल लिविंग ये होगा नहीं क्योंकि हम लोगों ने देखा था उसका इंग्लिश मीनिंग क्या इसका इंग्लिश मीनिंग होता है अ लग्जरियस लाइफ तो सिंपल लाइफ तो जिएगा नहीं जिसके पास पैसा होगा तो ये ऑप्शन नहीं होगा टू मेड ऑफ रोजेज भी नहीं होगा कि फूल को बनाएगा नहीं तो ऑप्शन नंबर ए होगा प्लेजेंट लिविंग प्रेजेंट लिविंग मतलब होता है आरामदायक स्थिति क्या होती है आरामदायक स्थिति आरामदायक स्थिति होती है ठीक है आरामदायक स्थिति होती है और यहां पे हम लोग इडीएम पीछे देखे थे कि इसका हिंदी हुआ था आरामदायक स्थिति और यहां भी होगा आरामदायक स्थिति हम लोग का आंसर होगा ए इस पे क्वेश्चन तो हम लोगों ने देख लिया आशा करता हूं कि यह सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा यदि यह सेशन अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और द डिस्ट क्लासेस फैमिली को सपोर्ट करें। जय हिंद जय भारत